थैंक यू भारतीय रेलवे, 5 घंटे के सफर को आपने 15 घंटे में जो पूरा करवा दिया, धन्यवाद। सिक्किम मनाली दार्जिलिंग और असम अड़वा चल जाते घूमने के लिए, मैं जा रहा हूँ पेशेंट को देखने के लिए। यार अपनी अपनी किस्मत है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं लखनऊ आऊंगा और लखनऊ मेरा इस तरीके से जो है इम्तिहान ले लेगा। यार देख सकते हो शूज जो है हाथ में आके, कोई भी पैसेंजर गाड़ी या कोई सवारी नहीं मिल रहा है, गजब बेइज्जती है यार, मानना पड़ेगा पूरा लखनऊ डूबा पड़ा है, सिर्फ एक दिन के बारिश में ये हाल है। अच्छा Hey guys, welcome to my YouTube channel. मेरा नाम है शशांक खानी और आप देख रहे हैं शशांक व्लॉग। शशांक व्लॉग एक बार अपने YouTube चैनल में आपका जोरदार स्वागत करते हैं। मैं निकल रहा था लखनऊ की तरफ और निकला तो आज नहीं यार, निकला कल ही था, लेकिन अभी ऐसी किस्मत खराब की पूछो मत यार। रात में ये ट्रेन आने वाली थी लगभग 11:35 पे, जो कि इसका एक्चुअल टाइमिंग था। चलो ठीक है, 1-2 घंटा लेट डिले समझ में आता यार, तो मैंने टिकट करा लिया था और कन्फर्म टिकट मुझे मिल गया था और मुझे ऐसा लगा था कि 1:30 या 2 बजे तक ये ट्रेन आ जाएगी, लेकिन ये ट्रेन सुबह के 7 बजे जो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे जो है ये आगमन करती है और 15 मिनट रुकती है और उसके बाद वहाँ से फिर चलती है। और भाई साहब अभी अप्रॉक्स टाइम हो रहा है 4:30 और अभी ये 12:00 नहीं पहुँचा है। मुझे पता नहीं है कि मैं कब तक लखनऊ पहुँचूँगा यार, मेरी रात को 11 बजे की फ़्लाइट है और मुझे निकलना है गुवाहाटी और सिक्किम मनाली दार्जिलिंग और असम अड़वा चल जाते हैं घूमने के लिए। मैं जा रहा हूँ पेशेंट को देखने के लिए यार, अपनी अपनी किस्मत है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, इरिटेट हो चुका हूँ, क्योंकि ये ट्रेन जितनी चल नहीं रही है उससे ज़्यादा रुक रही है। तो कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। सामने से ट्रेन आ रही है, मे बी अब इसके बाद सिग्नल मिल जाएगा हमें। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ और देखो ये पब्लिक किधर खड़ी है ना, और ये ट्रेन आ रही है। शायद अब हमें ट्रेन के अंदर चलना चाहिए क्योंकि अब सिग्नल मिलने वाला है, ये ट्रेन पास हो जाएगी, उसके बाद हमारी भी ट्रेन चल चुकी है गाइस। फाइनली जबरदस्ती गाड़ी से उतर गया मैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से मैं बस पकड़ के जाऊँगा क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि ये ट्रेन मुझे कब तक लखनऊ पहुँचाएगा, तो मैं 12:00 में उतर गया और 12:00 के रेलवे स्टेशन का हाल मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है यहाँ पे, अब ये देख सकते हो पूरा ट्रैक पानी से भरा पड़ा हुआ है। थैंक यू भारतीय रेलवे, 5 घंटे के सफर को आपने 15 घंटे में जो पूरा करवा दिया, धन्यवाद।
रहा था कि मैं लखनऊ आऊंगा और लखनऊ मेरा इस तरीके से जो है इम्तिहान ले लेगा। यार मेरी रात की फ्लाइट है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। मैं ट्रेन से भी उतर गया, ट्रेन चल भी गई और मैं सोचा कि यार बस से मैं चले चलूंगा, लेकिन अब देखो ना ये हाल। अब देख सकते हो शूज जो है हाथ में आ गए, कोई भी पैसेंजर गाड़ी या कोई सवारी नहीं मिल रहा है। और ये आप देख सकते हो सिर्फ एक रात के बारिश में ना इतना गंभीर हालात है बाराबंकी, लखनऊ के इस बाराबंकी का हाल ये है। मतलब क्या बोला जाए यार, यहाँ देखो पूरी मतलब यार पलटनी लगी हुई है यहाँ पे। ऑटो वगैरह यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी, देखो आप घुटने तक पानी है और ऑटो वगैरह बंद हो जा रहा है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यार लखनऊ का अगर ये हाल हो सकता है ना यार, तो फिर The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. अपने रिलेटिव के घर पे एक दो घंटे के करीब में रुकूंगा और उसके बाद जो है हमारी जो फ्लाइट है वो 11:35 की है। दो घंटे पहले जो है मुझे बोर्डिंग कराना होगा। कल इस ब्लॉग को यही बैंड करते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।